हेलो एवरीवन वन सेल्फ मनीषा वेलकम टू एम एजुकेशन पॉइंट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वायरस की मार्पोलॉजी के बारे में इसी प्रकार इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस रेप्लीकेशन के बारे में कि वायरस रेप्लीकेशन जो है वो कैसे होता है तो फर्स्ट वन वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल्स ये मैंने आपको बताया था कि वायरस को उसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए किसी लिविंग सेल की जरूरत होती है क्योंकि वायरस के पास सेल्स नहीं होती है ठीक है तो ये मल्टीप्लाई करता है ओनली इन लिविंग सेल में तो इसीलिए इसको किसी होस्ट सेल की जरूरत होगी तो द होस्ट सेल मस्ट प्रोवाइड द एनर्जी एंड सिंथेटिक मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड यानी कि वायरस को उसके रेप्लीकेशन के लिए एक लिविंग uh, सेल की जरूरत होगी ठीक है जो उसको कौन प्रोवाइड करेगा होस्ट सेल होस्ट सेल जो है वो प्लांट की भी हो सकती है एनिमल की भी हो सकती है और बैक्टीरिया की भी हो सकती है ठीक है तो मोस्ट ये क्या करती है ये सेल प्रोवाइड करती है एनर्जी ठीक है एंड सिंथेटिक मशीनरी सिंथेटिक मशीनरी जैसे कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है अमीनो एसिड ये सब प्रोवाइड करती है फॉर सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड यानी कि उसके न्यूक्लिक एसिड और उसके प्रोटीन को बनाने के लिए उसके सिंथेसिस के लिए ये उसको एनर्जी और सिंथेटिक मशीनरी प्रोवाइड करती है कौन होस्ट सेल ठीक है वायरस रेप्लीकेशन इन फाइव स्टेज यानी कि ये वायरस रेप्लिकेशन स्टेज जो है वो फाइव फाइव में फाइप स्टेज में स्टेज कंप्लीट होती है फर्स्ट वन अटैचमेंट सेकेंड वन एंट्री एंड पेनीट्रेशन अनकोटिक बायोसिंथेसिस और रिलीज तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे अटैचमेंट की तो फर्स्ट वन क्या होता है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वायरस रेप्लीकेशन अटैचमेंट क्या है नाम से समझ में आ रहा है कि अटैच होना सबसे पहले वायरस आके क्या होगा अटैच होगा उसकी सेल मेम्ब्रेन पर उसके बाद में देन वो करेगा अंदर तो अटैचमेंट नाम से समझ में आ रहा है और ये वायरस रेप्लीकेशन की फर्स्ट स्टेप है ठीक है वायरस अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल उसके बाद क्या होगा वायरस जो है वो अटैच होगा टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है ठीक है उसके बाद में ये क्या है हमारा ये वायरस है ठीक है ये अंदर ये सॉरी उसका न्यूक्लिक एसिड है तो ये इस प्रकार से आके उससे अटैच हो गया है अटैचमेंट साइट ऑन देयर कैप्सिड और इन्वेलब प्रोटीन दैट बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन होस्ट सेल सरफेस यानी कि इस सेल सरफेस के ऊपर होस्ट सेल की सरफेस के ऊपर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिससे आकर ये बाइंड हो जाता है ठीक है और बाइंड हो जाता है तो कुछ वायरस जो होते हैं वो नॉन इनवेलब्ड होते हैं और कुछ वायरस जो है वो इनवेलब्ड होते हैं तो जो नॉन इनवेलब्ड वायरस है तो उसके पे क्या होगा कैप्सिट प्रेजेंट होगा तो वो कैप्सिट आके उससे बाइंड होगा ठीक <CM2> है हमारा क्या कैप्सिट ठीक है तो ये कैप्सिड आके उससे किससे रिसेप्टर से आके बाइंड होगा और अगर इनवेलब्ड वायरस है तो वो इन्वेल्बड वायरस आके इससे अटैच होगा ठीक है ये इस प्रकार से अटैच होगा और अगर कैप्सिड है तो कैप्सिड अटैच होगा और अगर इन्वेल्प है तो इन्वेल्प अटैच होगा तो ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट देन हम नेक्स्ट बात करते हैं पेनिट्रेशन की या फिर एंट्री की कि अटैचमेंट के बाद में वायरस ने अब अटैच अटैच हो गया है वो सेल सर्फेस सॉरी सेल मेम्ब्रेन पे अब तो वो पेनिट्रेट करेगा उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो वो किस तरीके से होगा ये हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट बात करते हैं पेनिट्रेशन की ठीक है तो पेनिट्रेशन अटैचमेंट के बाद क्या होगा आफ्टर अटैचमेंट वायरस पार्टिकल इंटर इन टू द होस्ट सेल पेनिट्रेट करेगा सबसे पहले उसने क्या किया अटैचमेंट किया अटैचमेंट करने के बाद में अब वो क्या करेगा अंदर आएगा हो. ठीक है अंदर आने जब वो अंदर आ जाएगा सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से तो क्या कहलाएगा पेनीड्रेशन तो आफ्टर अटैचमेंट वायरस पार्टिकल इंटर इनटू द होस्ट सेल इन एनिमल सेल वायरस गेट इनटू सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस यानी कि एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा एनिमल सेल में जो वायरस अंदर होता है एंडोसाइटोसिस यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल मटेरियल को क्या करती है इन्फ्लब करती है ठीक तो है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं सम इनवलब वायरस एंटर बाय फ्यूजन ऑफ द एयर इन्वलब प्रोटीन विथ द प्लाज्मा ओनली न्यूक् न्यूक्लियर कैप्सिड एंटर यानि कि जो इन्वलब्ड वायरस होता है ये तो हमारा हो गया जैसे कि कैप्सिड वाला वायरस जिसमें कैप्सिड है और ये हो गया इन्वेलब्ड वायरस ठीक है तो क्या हुआ सम इनवलब वायरस एंटर बाय फ्यूजन ऑफ द एयर इन्वेलब्ड यानी कि क्या करता है कि जो इन्वलब्ड वायरस होते हैं वो क्या करते हैं फ्यूज कर देते हैं यानी कि ये जो हमारी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो ये इन्वेलब जो है वो उसके साथ फ्यूज हो जाता है और ये जो हमारा न्यूक्लियो कैप्सिड है वो अंदर इंटर करता है ठीक है जब अटैचमेंट होता है तो अटैचमेंट के साथ में जब पेनिट्रेशन होता है तो पेनिट्रेशन के समय जो इन्वेलब्ड वायरस होता है उसमें केवल न्यूक्लियो कैप्सिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड अंदर इंटर करता है जो इन्वेलब्ड है वो फ्यूज हो जाता है इस होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ ठीक है तो फ्यूज होने के बाद में वो इस तरीके का हो जाएगा और कैप्सिड जो है वो अंदर इंटर हो जाएगा जब तो वो इस तरीके से आ जाएगा उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा और अगर केवल कैप्सिड है नॉन इन्वेलप्ड वायरस है तो पूरा का पूरा कैप्सिड अंदर इंटर हो जाएगा ठीक है इन्वेलप होता है तो वो उसमें इन्वेलप्ड जो है वो फ्यूज हो जाता ठीक है तो समझ में आया सम इन्वेलप्ड वायरस इंटर बाय फ्यूजन ऑफ देयर इन्वेलप प्रोटीन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और होस्ट सेल एंड इन ओनली न्यूक्लियो कैप्सिड जो है वो इंटर करता है इन द साइटोप्लाज्म ठीक है बैक्टीरियोफेज के केन नॉट पेनीटेट द बैक्टीरियल सेल वाल ओनली न्यूक्लिक एसिड इज इंजेक्टेड यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या है एक वायरस है जो कि बैक्टेरिया सेल को इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है सॉरी ह्यूमन सेल के अंदर भी आ सकता है बट वो इन्फेक्ट नहीं करता है वो उसके लिए हार्मलेस होता है तो बैक्टेरियल सेल के अंदर क्या जब बैक्टेरियो जो है वो बैक्टेरियल सेल के अंदर इंटर करता है तो वो पेनीट्रेशन नहीं करता है क्यों क्योंकि वो क्या करता है डायरेक्ट जो है वो क्या करता है इस तरीके का होता है ठीक है ये ये इस तरीके की इसकी टांगे होती हैं तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है डायरेक्ट इस न्यूक्लिक कैप्सिड को अंदर डाल देता है और ये कैप्सिड जो है वो बाहर रह जाता है ठीक है तो डायरेक्ट वो क्या करता है न्यूक्लिक एसिड को पेनिट्रेट कर अंदर डाल रहा है तो बैक्टीरियो फेस नॉट पेनिट्रेट द बैक्टीरियल सेलवाल ओनली न्यूक्लिक एसिड इज इंजेक्ट ठीक है वो पेनिट्रेट नहीं करता है केवल किसको न्यूक्लिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है तो ये हमारा हो गया पेनिट्रेशन अब हम बात करते हैं अनकोटिंग की यानी कि जो वायरस है वो अंदर इंटर हो चुका है ठीक है बाय द होस्ट सर अब कुछ वायरस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर एप्लीकेशन करते हैं और कुछ वायरस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेशन करते हैं अगर साइटोप्लाज्म के अंदर एप्लीकेशन करते हैं तो वो डायरेक्ट इस तरीके से आ जाता है साइटोप्लाज्म में और अगर न्यूक्लिक एसिड के जाना में मेरा एप्लीकेशन करते हैं तो फिर वो साइटोप्लाज्म से कहाँ जाते हैं न्यूक्लियस में ठीक है तो अब आता है अनकोटिंग बाय द होस्ट सेल एंजाइम यानी कि होस्ट सेल में कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है लाइसोसोमल या लाइसोजाइम ठीक है वो क्या करता है इस कैप्सिड को सेपरेट करता है एंड न्यूक्लिक एसिड रिलीज इन टू द साइटोप्लाज्मा अब ये कैप्सिड का पूरा न्यूक्लियो कैप्सिड अंदर आया है ठीक है किसके सेल मेमरीन के साथ में ये यह हमारा यहाँ पे क्या हुआ था अटैचमेंट हुआ फिर ठीक है यहाँ पे क्या हुआ पेनिट्रेशन हुआ पेनिट्रेशन होने के पेनिट्रेशन होने के बाद में क्या हुआ ये जो है वो न्यूक्लियो कैप्सिड जो है वो पूरा अंदर आ गया इस तरीके से ठीक है अब अंदर आने के बाद में इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है अब इस न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना है तो वो कौन करेंगे

क्यों अब्सेंट होती हैं क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड को इंजेक्ट कर रहा है वो उसकी जो कैप्सिड है वो भी वो बाहर ही रहती है ठीक है तो अगर वो कैप्सिड है ही नहीं तो वो किसको सेपरेट करेगा तो इसमें डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड आ रहा है इसलिए सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है इसलिए यह स्टेज जो है वो बैक्टेरियो में अप्सेंट होती है उसके बाद दिन होता है उसके बाद बायोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेपरेट हो चुका है ठीक है वायरल कंपोनेंट आर एंड न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड प्रोटीन इन सबके सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं बायोसिंथेसिस ये सारे न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड प्रोटीन बनने के बाद में एक मैच्योर वायरस बन जाता है ठीक है ये सारे जो है इन सब का फॉर्मेशन इसका इन सब का सिंथेसाइज होता है फिर एक वायरस बनता है वायरस बनने के बाद में फिर इस तरीके से ये न्यूक्लिक एसिड ये सब जो जुड़ जाएंगे आपस में तो जुड़ने के बाद में एक मेच्योर वायरस बन जाएगा मेच्योर वायरस बनने के बाद में द वायरस नाउ मेच्योर आर रिलीज बाय सडन रैप्चर ऑफ सेल यानी कि उस सेल को रैप्चर करके ये जो है वो रिलीज़ हो जाएगा न्यू वायरस अटैक अदर सेल और रिमेन डोरमेंट इन द सेल्स यानी कि जो न्यू वायरस बना है वो अदर सेल को भी अटैक कर सकता है ठीक है और उसमें डोरमेंट स्टेज में भी रह सकता है सेल्स में उसको डिसीज कोस भी कर सकता है तो ये वायरल रेप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम एक बार इसका डेमो और देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वायरल रेप्लीकेट हुआ था अटैचमेंट सब किस तरीके से हुआ ये सारी प्रोसेस हम एक बार और देख लेते हैं फर्स्ट वन हमने देखा था कि अटैचमेंट यानी कि ये जो हॉस्ट सेल मेम्बरे ने

आ जाता है ठीक है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके साथ में आई है ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी की ऐसी इस तरीके से आ जाती है ये ये जो हमने देखा है ना इस तरीके से पूरी की पूरी इधर ये अंदर आ जाती है और उसके साथ में न्यूक्लियो कैप्सिड भी आता है तो ये हमारा कैप्सिड है और ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है ठीक है और ये इस तरीके से इससे बाइंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ठीक है उसके बाद में होस्ट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इस न्यूक्लियो कैप्सिड को सेपरेट करने का काम करते हैं तो ये जो एंजाइम है वो एंजाइम जो है इस तरीके से अंदर चले जाते हैं अंदर जाने के बाद में इनके प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहती है किसको जिसको हम क्या कहते हैं अनकोटिंग और अनकोटिंग वाली प्रोसेस जो है वो बैक्टीरियो में अप्सेंट होती है क्योंकि बैक्टीरियो जो है वो पेनिट्रेशन नहीं करता है डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड को अंदर इंजेक्ट कर देता है ठीक है तो ये क्या करता है इस तरीके से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये वाला शेप दे देगा और इस न्यूक्लिक ये जो कैप्सिड है वो कैप्सिड इस तरीके से सेपरेट होकर ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो अंदर इंटर कर जाएगा इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में आने के बाद में बायोसिंथेसिस जो है इसके स्टार्ट हो जाती है यानी कि इसके क्या होगा ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा इधर प्रोटीन बन रहे होंगे किधर कैप्सिड बन रहे होंगे तो सारे अलग अलग एंजाइम जो है वो अलग अलग प्रोटीन को बनाने के लिए हेल्प करते हैं ठीक है तो इस तरीके से जब एक मैच्योर वायरस बन जाएगा तो वायरस बनने के बाद में क्या होगा ये रिलीज हो जाएगा द सेल रैप्चर ठीक है सेल को रैप्चर करके ये जो है हमारा मेच्योर वायरस जो है वो रिलीज हो जाएगा और ये डॉर्मेंट स्टेज में भी रह सकता है और किसी अदर सेल को भी अटैक कर सकता है ठीक है तो आई होप वायरस रैप्लिक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू